बीजेपी अब की बिहार में प्रस्त है, किसी जगह 400 सीटों पर बीजेपी का खाता खुलने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव खुलेआम बोला कि मिर्ची लगेगा, मिर्ची लगेगा। तेजस्वी यादव का क्या, मछली था, रोटी था और हरा मिर्च था और प्याज था। मुकेश सहनी जी क्या करे थे, हरा मिर्च है, किसी को मिर्ची लगेगी, मिर्ची लगेगी। ऐसे ही में विजय सिन्हा को मिर्ची लगेगी। खाना ना खाना वो अलग विषय है, वो बहुत बढ़िया बताए। आप भी मछली खाती होगी, नॉन वेज तो मछली में एक काटा है, पोस्ट कर दिया, तो इसमें गलत क्या है? 48 केंद्रीय मंत्री लगे हुए हैं, एक युवा नेता तेजस्वी यादव सब पे भारी है। दिन में सपना देख रहे हैं, जो कह रहे हैं भारी पड़ रहे हैं, जिसका एक लोग, जिसका एक लोकसभा में सीट है, एक सीट है। इसमें तो एक खाता खुला था, 24 में खाता में खाता भी महागठबंधन का नहीं खुलने वाला है बिहार से। 40 में 40 है इस बार, 40 में 40 गारंटी है। एक बार फिर से बीजेपी इस पर बिहार में आएगा, इस पर झंडा लहरेगा बीजेपी का। आपने तो रील देखा ही होगा जो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है, एक मछली पानी में गई छपाक छपाक। बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मंजर मिल रहा है, जहाँ पे मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव नवरात्रि के दिन एक पोस्ट किए जिसमें वो मछली खा रहे थे। सनातन धर्मी कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो हमलावर थी और हम लोगों के बीच आ चुके हैं और हम जानने के लिए आए हैं कि क्या कुछ कहना है। अच्छा, आप वीडियो देखे तेजस्वी यादव का जो तेजी से वायरल हो रहा है, वो मछली खा रहे थे? जी बिल्कुल देखे हैं। क्या कहेंगे उस पे? देखिए, जहाँ तक खाने पीने वाला चीज पे कभी ऐसा पे मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। वो ट्वीट देखे, मेरी बात सुनिए, हमारे विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री है लेकिन ट्वीट नहीं पढ़े कब का है, वो 8 तारीख का ही था, उसमें टाइम सेकंड सब लिखा हुआ रहता है। आपको अगर आपको ये चीज जो मेन समस्या है बिहार की बात है, उस पर तो नहीं करते हैं। तो वो अच्छा एक बात बताइए, नेता प्रतिपक्ष होके जब नवरात्रि का पहला दिन है, उसी दिन क्यों डाले तारीख लिख के? आज कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये चीज डालना चाहते थे, वो साफ तौर पे वहाँ पे लिखे गोदी मीडिया और बीजेपी को दिखाना चाहते, मतलब कहीं ना कहीं आकर्षण चाह रहे थे खुद पे। उसमें आप पूरा वीडियो देखिएगा, हम भी देखे हैं, उन्हें सुनिए, वो हमारी आस्था को खत्म करना चाहते हैं। पुलिस सुनिए ना, कैसे वो कैसे उनका काम देखिए ना, जब राम मंदिर का मुद्दा था विपक्ष में वकील खड़ा करती है कांग्रेस, क्या चाहते हैं? तो यहाँ पे आना भाई, सुनिए वो आप क्या पूछ रही हो, पूछ रही है ना। देखिए, उसमें मुकेश सहनी जी, उसमें क्या मछली था, रोटी था और हरा मिर्च था और प्याज था। मुकेश सहनी जी क्या करे थे, हरा मिर्च है, किसी को मिर्ची लगेगी, मिर्ची लगेगी। ऐसे ही में विजय सिन्हा को मिर्ची लगी। जो मेन समस्याएं हैं, हमारे मोदी जी 2 बार बिहार में आए, रोजगार जो सबसे बड़ी समस्या है, 82% युवा बेरोजगार हैं, उस पर एक बार भी मोदी जी मन से एक बार भी बोले नहीं, रोजगार पे नहीं बात की। नहीं, यहाँ पे हॉस्पिटल, जो मेडिकल हॉस्पिटल की बात की जाए, पूरे हॉस्पिटल के मेडिकल बिहार की बात की जाए, तो मंगल पांडे जी, मंगल हॉस्पिटल बोल के इस सबको हॉस्पिटल का तुम लोग पेशेंट बना देगा यार। कुछ है कि कांग्रेस ने 55 साल में एक बिहार को एम्स दिए हैं? अरे मेरी बात जो मोहन सोनी सुनिए, हॉस्पिटल अगर मेडिकल में आप हॉस्पिटल में इलाज कराने जाइएगा, डॉक्टर 10 दावा लिखेगा, अगर 1 से 2 दावा से ज्यादा नहीं मिलेगा, आप कभी भी जाके कंप्लेन कीजिएगा हॉस्पिटल में। आपके पास में स्वास्थ्य मंत्री है, आप इस पे बात क्यों नहीं करते हैं? जो गरीब लोग हॉस्पिटल में, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन जाता है, मिल जाता है, गरीब आदमी जाता है। जो मेन समस्या है हमारी है, देखिए शिक्षा की बात की जाए, यूनिवर्सिटी कितना सेशन लेट चल रहा है, जो ग्रेजुएशन 3 साल में होना चाहिए 6 साल लग जाता है, तो इस पे क्यों नहीं बात होता है? ये पे क्यों नहीं, हमारे सम्राट चौधरी जी क्यों नहीं बोलते हैं, विजय सिन्हा जी क्यों नहीं बोलते हैं? अगला, अरे सुनिए ना, अगला आदमी क्या खाता है, क्या पीता है, बेबुनियाद बात क्यों? हाँ, ये सब कौन क्या खाता है, सब क्या बात है? जो मेन समस्या को उसमें होना चाहिए ना, विपक्ष भी होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि जो मेन समस्या उस पे बात होना चाहिए, कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, नवरात्रि के पहला दिन क्या खाया, मतलब नहीं होना चाहिए। नवरात्रि का पावन पर्व है, हिंदू का पावन पर्व है, उसको नमन करना चाहिए। नवरात्र पर कुछ नहीं बोलना चाहिए, महान पर्व है, उस दिन क्या खाया पिया उसको छोड़िए। जो आज समस्या है रंजीत का समस्या, उस पर चर्चा कीजिए, इसलिए कि लोकतंत्र का पर्व आ चुका है। नेता प्रतिपक्ष है, खाना ना खाना वो अलग विषय है, वो बहुत बढ़िया बताए। आप भी मछली खाती होगी, नॉन वेज तो मछली में एक काटा है, पोस्ट कर दिए, तो इसमें गलत क्या है? तेजस्वी यादव खुलेआम बोला कि मिर्ची लगेगा, मिर्ची लगेगा। तेजस्वी यादव का हम लोग जो आह्वान है, बीजेपी अब की बिहार में प्रस्त है, किसी जगह 400 सीटों पर बीजेपी का खाता खुलने वाला नहीं है। अरे किसी जगह सुनिए, किसी जगह 48 केंद्रीय मंत्री लगे हुए हैं, एक युवा नेता तेजस्वी यादव सब पे भारी है।
क्या कहेंगे आप? ये दिन में सपना देख रहे हैं जो कह रहे हैं भारी पड़ रहे हैं जिसका एक लोकसभा में सीट है, एक सीट है इनका, इनका खाता नहीं खुलेगा, एक सीट है अभी तक नहीं खुला, नहीं खुलेगा सही बस दिखा रहे हैं। अरे मूर्ख है बस, विपक्ष को बोलना काम है। आपको लगता है इस समय लोकसभा चुनाव नजदीक है उसमें मछली कौन खा रहा है? कैंडिडेट है, मैं 4 से 5 कैंडिडेट गिना दूंगा जो डमी कैंडिडेट है। मैडम एक ही बात है, बीजेपी ही आएगा, 40 पे 40 सीट बीजेपी ही मारेगा और निश्चित है बीजेपी ही जीतेगा। 19 में तो एक खाता खुला था, 24 में खाता भी महागठबंधन का नहीं खुलने वाला है बिहार से। बिल्कुल ये सही बोला, सरकार बनाएगा बीजेपी इस बार। देखिए नीतीश कुमार जब आए हैं ना बीजेपी के साथ, नीतीश कुमार के साथ आप 4000 पार तो नहीं करवा देंगे? कैसे चार, नीतीश कुमार क्या बोले 4000 पार? सुन लीजिए, 4000 क्या बोले? इस इंडिया से पूरा विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद सदस्य 4000 पार जाएंगे भाजपा एनडीए सरकार का, ये बोले हैं नीतीश कुमार। ओवर पूरे ऑल ओवर इंडिया के बारे में बोले थे। यहाँ तो सीट की बात हो रही है, आप पूरा बता रहे हैं, 543 सीट में आप 4000 दे दीजिए। अरे भाई हम क्या बोल रहे, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद सब मिला के बोले। अभी जो चुनाव हो रहा है उसको अभी चुनाव जो हो रहा है उसको छोड़ के पूरा दुनिया का देख रहे हैं, इंडिया पूरा इंडिया अपना है तो इंडिया के बारे में बोले तो क्या गड़बड़ बोले? कहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार का, यहाँ के क्या देख रहे हैं? यहाँ का तो देख रहे हैं कि हम 40 में 40 जीत ही रहे हैं, 40 में 40 है इस बार, 40 में 40 इस गारंटी है। एक बार फिर से बीजेपी इस बार बिहार में आएगा, इस बार झंडा लहरेगा बीजेपी का। देखिए तो हम लोग आए थे जनता के बीच में जानने के लिए कि जो मछली खा रहे थे उस टॉपिक पे, लेकिन कहीं ना कहीं आप पक्ष और विपक्ष की बात भी सुन लिए और साफ तौर पे लोगों का ये कहना है कि हाँ मछली खा रहे थे लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। वही दूसरी तरफ इन लोगों का कहना है कि इस बार एनडीए 400 पार कर देगी और जिस तरह से नीतीश कुमार बोले 4000 पार वो भी कर देगी, तो देखना रहेगा कि आखिरकार जनता किसको सपोर्ट करती है। और जो आज पूरा दिन जो मछली पर चर्चा चली है क्या वो सही है, वो आप जरूर बताएंगे। बने रहे देशवा न्यूज के साथ, मैं काजल सर्विस।